नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी ने अध्याय 8 में भाग 2 तक देखा। भाग 2 तक मैंने आपको बताया कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार की पाई जाती हैं, कोशिका से संबंधित खोजों के बारे में बताया था, कोशिका की संरचना भी बना के मैंने दिखाया था, यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें किन में नहीं पाई जाती, किन में पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने भाग 2 के अंतर्गत बताया था। अब आता है भाग 3, जिसके अंतर्गत आप कोशिका के अंदर की समस्त संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनके कार्य क्या हैं। चलिए देखते हैं कोशिका की संरचना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। कोशिका संरचना को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक तो जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिका आवरण। तो चलिए देखते हैं, ऐसे बताते हैं हम आपको कि कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ जो आवरण है, कोशिका को 2 भाग में विभाजित कर देंगे। कोशिका के चारों तरफ जो आवरण है, कोशिका आवरण में विभाजित कर दिए, मतलब कि कोशिका आवरण में कौन कौन से आवरण आते हैं। फिर कोशिका आवरण को हटाने के बाद अंदर जो कुछ भी है, पूरा संपूर्ण भाग, संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। इन सब पॉइंट्स को अच्छी तरीके समझेंगे, बहुत कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर। मैं बार बार आपसे कहूँगा, जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कोशिका द्रव्य लिखा हुआ है, यहाँ जीव द्रव्य लिखा हुआ है, तो अंतर क्या है इसको अच्छी तरीके से आप समझेंगे, ठीक। जब डिफ्रेंशिएट किए रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो कोशिका के चारों तरफ जो आवरण होता है, उसे हम कहते हैं कोशिका आवरण। जो मैंने ब्लैक से बनाया है ना, ये क्या कहलाता है? कोशिका आवरण। अभी बताते हैं कि कोशिका आवरण में क्या क्या आता है। फिलहाल कोशिका आवरण को हटा दें तो जो कुछ भी बचा अंदर, अंदर जो कुछ भी है, समस्त भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य, ठीक है। कोशिका के चारों तरफ आवरण होता है, कोशिका के अंदर का समस्त भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। 2 भाग विभाजित हो गया। अब हम कोशिका आवरण में देखते हैं कि कोशिका आवरण में कौन कौन सी आवरण पाई जाती हैं। तो कोशिकाओं में 3 आवरण पाई जाती हैं, कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका कला। लेकिन याद रखेंगे, सब में नहीं पाई जाती, सब में तीनों नहीं पाई जाती। हम समस्त कोशिकाओं को मिलाकर बता रहे हैं कि किसी कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका कला पाई जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाई जाती। किसी किसी कोशिकाओं में तीनों पाई जाती हैं, किसी किसी कोशिका में ये दोनों नहीं पाई जाएगी, सिर्फ कोशिका कला पाई जाएगी, ठीक है। तो वो अंतर हम बाद में बताएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि कोशिका आवरण क्या क्या हो सकते हैं। तो कोशिका आवरण हो सकते हैं कोशिका भित्ति, ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका कला। अब आवरण को हटाने के बाद अंदर का समस्त भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य के अंदर बीच में क्या आता है? केंद्रक। हमने बताया था कोशिका के मध्य में क्या आता है? केंद्रक। इसी वजह से इसे नाम भी दिया जाता है केंद्रक, क्योंकि ये केंद्र में पाए जाते हैं। तो कोशिका के मध्य में होता है केंद्रक। अब केंद्रक को छोड़ दीजिए, बीच वाले भाग को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी समस्त अंदर का भाग बचता है, ध्यान देंगे जीव द्रव्य का मतलब होता है अंदर का संपूर्ण भाग, ठीक है, संपूर्ण। लेकिन कोशिका द्रव्य को समझिएगा कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो केंद्रक को छोड़ दीजिए, बाकी जितना ये सब खाली भाग दिख रहा है, ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे। समस्त भाग को, कोशिका के अंदर के समस्त भाग को जीव द्रव्य कहेंगे। लेकिन जीव द्रव्य में 2 चीज़ें आती हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो केंद्रक कहाँ होता है? मध्य में। मध्य के संपूर्ण भाग को कहते हैं केंद्रक। ये पूरा हो गया केंद्रक। अब बचा ये साइड वाला भाग, जो साफ़ सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर का दिख रहा है, तो ये कहलाता है पूरा, यहाँ से लेकर ये सब पूरा भाग क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। समझ में आया अंतर? कोशिका द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है। कोशिका के अंदर के समस्त भाग को कहते हैं जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य में केंद्रक को छोड़कर बाकी समस्त भाग को कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसको आप फॉर्मूला के तरीके से भी लिख सकते हैं, जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। जीव द्रव्य बराबर, अगर हम कह दें प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य सी प्लस एन। हम अगर आपसे पूछे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो आप बता सकते हैं सी इज इक्वल टू पी माइनस एन। मतलब जीव द्रव्य में से केंद्रक को निकाल दीजिए, केंद्रक को हटा दीजिए, बाकी जितना भी भाग बचता है वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में क्या अंतर होता है। बहुत पूछा जाता है, बार बार आपसे कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए फिर से देखते हैं कोशिका के
चारों तरफ जो आवरण होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका अंदर के समस्त भाग को कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के मध्य में होता है केंद्रक, और केंद्रक के चारों तरफ जो बचा भाग है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी ये कोशिका द्रव्य हो गया, ये केंद्रक हो गया, समस्त भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। अब हम देखेंगे कि कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होती हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाई जाती हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर भी दो क्षेत्र होते हैं, दो भाग होते हैं। देखिए, एक लिखा हुआ है साइटोसोल, साइटोसोल जिसे हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं या हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं, और दूसरा भाग होता है ट्रोफोप्लाज्म। अब इनमें क्या अंतर है? तो कोशिका द्रव्य में कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां पर कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी क्षेत्रों में तो कोशिकांग पाए नहीं जाते, ठीक है। कोशिका द्रव्य का वह क्षेत्र जहां पर कोशिकांग पाए जाते हैं, मान लो कि इतने क्षेत्र में, यहां से लेकर यहां तक के क्षेत्र में कोशिकांग पाए जा रहे हैं, यहां पर नहीं पाए जा रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य का वह क्षेत्र जहां पर कोशिकांग नहीं पाए जाते क्या कहलाता है? साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कोशिका द्रव्य का वह भाग जहां पर कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ट्रोफोप्लाज्म। ठीक, समझ में आया? तो कोशिका द्रव्य में दो भाग होते हैं, एक खाली भाग होता है जहां पर कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म या हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कोशिका द्रव्य का वह भाग जिसमें कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं ट्रोफोप्लाज्म। क्षेत्र को कहते हैं, ये कोई संरचना नहीं है, ये क्या है? क्षेत्र है, भाग है। तो इनमें कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और लेकिन पूछा जा सकता है कि कोशिका द्रव्य का वह भाग बताइए जहां पर कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते, साइटोसोल। वह क्षेत्र बताइए जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, ट्रोफोप्लाज्म। तो ट्रोफोप्लाज्म के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं, मतलब जो कोशिकांग हैं, सॉरी दो चीज़ें, एक तो आती है कोशिकांग इन क्षेत्रों में जहाँ पर कोशिकांग वगैरह पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकांग पाए जाते हैं इनमें और दूसरा अंतर्विषपिंड, सॉरी हमने क्षेत्र बोल दिया, क्षेत्र नहीं होगा। ट्रोफोप्लाज्म में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो कोशिकांग पाया जाता है और दूसरा अंतर्विष्टपिंड पाया जाता है। तो ट्रोफोप्लाज्म क्षेत्र में जहाँ पर कोशिकांग और अंतर्विष्ट दोनों पाए जाते हैं। अब कोशिकांग क्या होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि कोशिकांग कोशिका के अंग को कहते हैं। जैसे कोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी ये गलजी का है, यह भी एक कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया, यह भी एक कोशिकांग है। अंतःप्रद्युम्न जालिका, यह भी एक कोशिकांग है। तो कोशिकांग ट्रोफोप्लाज्म में पाए जाते हैं और अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट पिंड मतलब वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ हों या संचित पदार्थ हों, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो अब देखते हैं कि कोशिका द्रव्य के ट्रोफोप्लाज्म में कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं। कोशिकांग में बार बार पूछा जाता है कौन सी कोशिकांग एक आवरण द्वारा घिरा होता है, कौन सी कोशिकांग दोहरे आवरण द्वारा घिरा होता है, इसका मतलब पहले समझेंगे। जैसे यहाँ पर कोशिकांग को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दोहरी कलायुक्त कोशिकांग, एकल कलायुक्त कोशिकांग, कला रहित कोशिकांग। मतलब ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ सिर्फ एक आवरण पाया जाए उन्हें हम कहेंगे एकल कलायुक्त कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ दो आवरण पाया जाए उन्हें हम कहेंगे दोहरी कलायुक्त कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ कोई आवरण ना पाया जाए उन्हें हम कहेंगे कला रहित कोशिकांग। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कोशिकांग तीन प्रकार के होते हैं, एक ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ दोहरी कलायुक्त होता है, और दूसरे ऐसे जिनके चारों तरफ सिर्फ एक का आवरण होता है, और कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके चारों तरफ कोई भी कला या आवरण नहीं होता है। सबके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो कोशिकांग को तीन भागों में बांटा गया है, दोहरी कलायुक्त कोशिकांग कौन है? लवक, जितने भी प्रकार के लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, वर्णी लवक, आवर्णी लवक, इन सभी में क्या होता है? दोहरे कला होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल आवरण मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। एकल कलायुक्त कोशिकांग मतलब जिसके चारों तरफ सिर्फ एक कला हो, एक आवरण हो, कौन कौन से हैं? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्युम्न जालिका। दूसरा गाल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम, चौथा रिक्तिका, माइक्रो बॉडीज, ये सभी ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों तरफ सिर्फ एक आवरण होता है।
ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ कोई आवरण ही ना हो वो है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोसोम नहीं, न्यूक्लियोलस। अंतर्विष्ट पिंड क्या होते हैं? ये कोई कोशिकांग वगैरह नहीं है, जैसे सभी की कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। बहुत से प्लांट सेल होती हैं जिनमें से आपने देखा होगा गोंद निकलती रहती हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ होता है गम, रेजिन और कार्बनिक पदार्थ, ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं, तो वो इन क्षेत्रों में कोशिकांग में पाई जाती हैं। कौन कौन से संचित पदार्थ पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा आदि कुछ भी पाए जा सकते हैं। उत्सर्जी पदार्थ पौधों में ज़्यादातर होते हैं, गम्स, लैटेक्स, रेजिन्स, ऑर्गेनिक एसिड एट्सेट्रा। चलिए, ये है कंप्लीट कोशिका की संरचना। कोशिका में इनके अलावा और कुछ भी नहीं पाया जाता। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कोशिका आवरण, कि कोशिका में कौन कौन से आवरण पाई जाती हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इनके कार्य कैसे होते हैं। फिर जीव द्रव्य को पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य में कोशिका द्रव आता है, तो कोशिका द्रव्य में ये क्या है, इनका कार्य, इनमें क्या पाया जाता है, इनके कार्य क्या है, इनकी संरचना क्या है, इनके कार्य क्या है, इनकी संरचना क्या है। बारी बारी से हमें पूरा इन्हीं के बारे में अध्याय 8 के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, यकीन मानिए इस चार्ट को आप नोट करके याद करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इस चार्ट से ही आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में अंतर क्या होता है। तो जीव द्रव्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को कहते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक को छोड़कर बाकी समस्त भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का वह भाग जहाँ पर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं साइटोसोल कहलाता है, वह भाग जहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती हैं ट्रोफोप्लाज्म कहलाता है। आप इंग्लिश भी सबके याद करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स वगैरह शब्द यूज़ किए जाते हैं बार बार। ट्रोफोप्लाज्म में कोशिकांग आता है, यहाँ से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नीट वगैरह में पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी कोशिकांग है जो एकल कला युक्त है, सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, रिक्तिका, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, बार बार रिपीट होती हैं, तो आप इसको एकदम रट डालिए। ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समस्त कोशिका के बारे में वर्णन किया गया है कि कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं। ठीक, अब इसके आगे हम एक एक के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि कोशिका आवरण क्या होती हैं, कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है, क्या कार्य होता है, ग्लाइकोकैलिक्स की संरचना कैसी होती है, क्या कार्य होता है, कोशिका कला की संरचना कैसी होती है, क्या कार्य होता है। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारे हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया है। यह चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूँगा आपका आधे से ज़्यादा चीज़ें इसी चार्ट में कवर हो जाएंगे। याद करिए इस चार्ट को, जिस सीक्वेंस में बना है इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो और आसानी होगी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक, बस तो अब हम आगे एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कोशिका आवरण। सबसे पहले कोशिका आवरण पढ़ेंगे। कोशिका आवरण में सबसे पहला आवरण कौन आता है? कोशिका भित्ति। तो चलिए शुरू करते हैं कोशिका भित्ति, इसकी संरचना एवं कार्य। इसे इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है, किसकी बनी होती है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कोशिका भित्ति के बारे में कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी।
रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर हम बात करें पौधे की कोशिका में, तो पौधे की कोशिका में ये जीवद्रव कला के बाहर पाया जाता है। हमने बताया था ना कि कोशिका आवरण में तीन आते हैं, एक तो कोशिका भित्ति आता है, दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स आता है और तीसरा कोशिका कला आता है। कोशिका कला, तो यहाँ पर हमने इस बात की भी जिक्र की थी कि ये तीनों आवरण एक कोशिका में नहीं पाई जाती। पौधे की कोशिका में अगर हम बात करें पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका में क्या होता है, अंदर ये होता है कोशिका कला। ठीक है, ब्लैक से हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये है कोशिका कला। कोशिका कला के बाहर पादप कोशिका में सिर्फ दो आवरण पाई जाती है, कोशिका कला और कोशिका भित्ति। ग्लाइकोकैलिक्स पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक, तो कोशिका कला ये है अंदर की तरफ और फिर कोशिका भित्ति इस कोशिका कला के बाहर होती है। इस तरह से रेड कलर से हम दिखा दे रहे हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो दो आवरण होते हैं पौधे की कोशिका में, कितने आवरण होते हैं, दो। सबसे बाहरी वाला आवरण कोशिका भित्ति, उसके अंदर वाला आवरण कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स किस में पाया जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है जीवाणुओं में। ठीक है, जीवाणु में तीन स्तर होते हैं, जीवाणु में तीन स्तर होते हैं, इससे भी बाहर एक स्तर होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के पहले मतलब ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जीव कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के अंदर होती है जीवद्रव कला या कोशिका कला। तो तीन आवरण होता है किसमें, जीवाणु में। पौधे में ये ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाए जाते, इस वजह से पौधे की कोशिका में कितने आवरण होते हैं, दो। सबसे बाहर कोशिका भित्ति और उसके अंदर कोशिका कला। अब देखिए जंतु की कोशिका की बात करेंगे, तो जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कोशिका कला पाई जाती है, बाकी दोनों नहीं पाए जाते, ना तो कोशिका भित्ति पाई जाती है ना ग्लाइकोकैलिक्स पाई जाती है। मतलब अगर हम अपनी कोशिका की बात करें तो हमारी कोशिका में सिर्फ एक आवरण होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका कला, कोशिका भित्ति नहीं, ना तो ग्लाइकोकैलिक्स। ये दोनों जंतु की कोशिका में नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में सिर्फ क्या पाया जाता है, कोशिका कला। तो आपने देखा कोशिका भित्ति पौधों में भी पाई जाती है, जीवाणु में भी पाई जाती है, कवक में भी पाई जाती है, सवाल में पाई जाती है, लेकिन जंतु में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पौधों की कोशिका में ये जीव द्रव्य कला के बाद आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि कोशिका भित्ति किसमें किसकी बनी होती है, इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति किन जीवों में किसकी बनी होती है, अगर हम बात करें जीवाणु की कि जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणु में कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व लिपिड की, जिसे हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहते हैं, इन्हें संयुक्त रूप से पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहा जाता है। तो जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु में कोशिका भित्ति प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की बनी होती है। ठीक है, जिन्हें हम संयुक्त रूप से पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहते हैं। अब ये फिगर जो बनाए हैं इसको अभी साइड में रखते हैं, बाद में इसको समझाएंगे क्या है। अभी हम देख लेते हैं पहले कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। पौधे की कोशिका में कब आता है, तो पौधे की कोशिका में जीवद्रव्य कला के बाद आता है। फिर बात करें कि कोशिका भित्ति किन में किसकी बनी होती है, तो जीवाणु में इनकी बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। इन्हें संयुक्त रूप से हम पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन अब हमेशा पेप्टाइडोग्लाइकॉन ही देता है आंसर में, तो आप याद रखेंगे कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक पदार्थ, काइटिन की बनी होती है व कवक सेलुलोज की बनी होती है, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है। काइटिन व कवक सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, यह भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा
कोशिका भित्ति के बारे में यही पूछा जाता है, किसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। एकदम रट डालिए, जीवाणु में किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन। ये जो यहाँ पर लिखवा रहे हैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कभी ये सब नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर ऑप्शन में यही दिया रहता है सिर्फ काइटिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन। आगे देखते हैं, शैवाल में किसकी बनी होती है? शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज। नहीं, एक मिनट, सही है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनॉन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो शैवाल में किसकी बनी होती है तो पूरा याद करना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनॉन्स, खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। अब बात करें पौधे में किसकी बनी होती है, तो पौधे में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन आदि की, पेक्टिन व प्रोटीन इनकी बनी होती है। ठीक, बस जंतु में पाई नहीं जाती। जीवों को 5 जगत में विभाजित किया गया है, जीवाणु वाले जगत में, फिर एक और आता है प्रोटिस्टा, तो खैर इसको छोड़िए, सिर्फ इतना याद करेंगे कि जीवाणु में जिनमें पाई जाती है उसको हम लिख दिए हैं। कोशिका भित्ति जिनमें पाई जाती है, कोशिका जीवाणु में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, सवाल में पाई जाती है और पौधों में पाई जाती है, चार में पाई जाती हैं। चारों में किसकी बनी होती है तो वो भी मैंने बता दिया है, अच्छी तरीके से याद कर डालिए, रट डालिए। जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन। सेलुलोज में किसकी बनी होती है? पूरा याद करना पड़ेगा, सेलुलोज और हेमी गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। पौधों में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। इसको आप नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये हो गया कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, संगठन। चलिए इसको नोट कर लेंगे और अब देखते हैं कोशिका भित्ति की संरचना। अगर हम कोशिका भित्ति की संरचना देखें तो इसमें पाएंगे कि इसमें चार स्तर होते हैं। कोशिका भित्ति में कुल चार स्तर होते हैं। पहला आता है प्राथमिक स्तर, प्राथमिक कोशिका भित्ति, दूसरा द्वितीयक कोशिका भित्ति, तीसरा तृतीयक कोशिका भित्ति, चौथा आता है मध्य पटलिका या मिडिल लैमेला। हाँ, इसे हिंदी में मध्य पटलिका कहते हैं, मध्य पटलिका, इंग्लिश में इसे कहते हैं मिडिल लैमेला। अब आते हैं फिगर को देखते हैं। यहाँ पर मैंने कई सारे कोशिकाएं बनाया हुआ है, एक कोशिका, दो कोश, दूसरी कोशिका और तीसरी कोशिका, तीन कोशिका बनाए, आपस में जुड़े हुए हैं ये। अब हम बात करेंगे इनके भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति ये रेड से और जो ब्लैक से बनी हुई है ये संरचना को दर्शाती है, मतलब ये पूरा संरचना क्या है, कोशिका भित्ति का है। कोशिका भित्ति मैंने बना रखा है, ठीक, इसी को बड़ा करके मैंने यहाँ पर दिखाया है। कोशिका भित्ति में मैंने बताया ना चार स्तर होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्राइमरी सेल वाल, मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये वाला क्षेत्र है। अब जो रेड से देख रहे हैं वो रेड वाला क्या है, मिडिल लैमेला, मतलब मध्य पटलिका। दो स्तर हो गया, तीसरा स्तर ये है अगल बगल, जिसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वाल, द्वितीयक कोशिका भित्ति।
चूँकि यहाँ पर तृतीयक कोशिका भित्ति नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि तृतीयक कोशिका भित्ति सिर्फ कुछ ही पौधों में पाए जाते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब हम आपको ऐसे दिखाना चाहें तो हम बता सकते हैं कि कोशिका भित्ति के चार आवरण होते हैं। कैसे? एक होता है मध्य में, मध्य पटलिका एकदम बीचों बीच, फिर आता है एक लेयर इधर एक लेयर इधर, ये क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। फिर आता है द्वितीयक कोशिका भित्ति। इस तरह से इतने स्तर होते हैं। अगर हम इसको इसे फिल करके दिखा दें तो ये क्या दर्शा रहा है? मध्य पटलिका। इनको एक सिंबल दे दें खड़ी लाइन तो ये क्या दर्शा रहा है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक, फिर अगर हम इसको स्टार बना दें तो ये क्या दर्शा रहा है? द्वितीयक कोशिका भित्ति। दोनों तरफ होते हैं इस तरह से चार स्तर। पूरे कोशिका पर ये ऐसे पूरे कोशिका पर चार स्तर बनाते हैं। ठीक है, पूरी कोशिका पर ऐसे चार स्तर बनाते हुए चलते हैं। बीचों बीच एकदम होता है मध्य पटलिका। इनके पूरे कोशिका भित्ति में जगह जगह पर छिद्र होता है। आप देख रहे हैं जगह जगह पर छिद्र है। ठीक है, ये जगह जगह पर छिद्र। इन्हीं छिद्रों के द्वारा एक कोशिका का कोशिका द्रव्य, ये क्या है? कोशिका द्रव्य। ये पूरा भाग क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो एक इन्हीं छिद्रों के माध्यम से एक कोशिका के कोशिका द्रव्य दूसरे कोशिका के कोशिका द्रव्य से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर कोई मटेरियल इधर से इधर जाना है, मान लो कि ये मटेरियल है, ये इसको इधर जाना है, तो इसी के रास्ते होकर यहाँ पर पहुँच जाता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में साइटोप्लाज्म का जो कनेक्शन है वो इन छिद्रों से होते हुए जाता है। इस प्रकार के परिवहन को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, इन्हें हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू क्या होता है? एक कोशिका के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य दूसरे कोशिका के कोशिका द्रव्य से जुड़े होते हैं। कोई भी मटेरियल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाना है तो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जाते हैं। मध्य पटलिका, मध्य पटलिका एकदम बीचों बीच होती है, जो रेड से दिखाया गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि मध्य पटलिका का कार्य जो होता है वो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का कार्य होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कोशिका दूसरी कोशिका से किससे जुड़े होते हैं? मध्य पटलिका द्वारा, मिडिल लैमेला द्वारा। एक कोशिका के कोशिका द्रव्य दूसरे कोशिका के कोशिका द्रव्य से किससे इंटरकनेक्टेड होते हैं? किससे होते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा से। बस इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट कोशिका भित्ति के थे। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद आपकी बात आता है कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। तो कोशिका भित्ति का कार्य है कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, सख्तता, दृढ़ हो जाए, क्योंकि पौधों में किसी भी प्रकार का कंकाल तंत्र तो पाया नहीं जाता। इस वजह से कोशिका भित्ति उसे क्या करती है? सख्त बनाए रहती है, दृढ़ता प्रदान करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है। अब कुछ बात इनसे भी हो जाए। तृतीयक कोशिका भित्ति की कोई खास बात नहीं है। प्राथमिक कोशिका भित्ति में ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो प्राथमिक कोशिका भित्ति में ज़्यादा हेमीसेलुलोज पाया जाता है। हेमीसेलुलोज की मात्रा मैंने अभी बताया था ना, कोशिका भित्ति पौधों में किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन प्रोटीन की। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति में हेमीसेलुलोज मात्रा अधिक किंतु सेलुलोज की मात्रा कम होती है। अगर बात करें द्वितीयक कोशिका भित्ति में तो इसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, सेलुलोज की मात्रा अधिक, और हेमी सेलुलोज की मात्रा कम होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है। तो ये हो गया कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति का कार्य, सब कुछ खत्म। याद कर लेंगे कोशिका भित्ति के चार स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और मध्य पटलिका। मध्य पटलिका का कार्य क्या है? एक दूसरी कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखना। ठीक, इन मध्य पटलिकाओं में छिद्र होता है जिसके रास्ते एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से जुड़ा होता है। कोई भी मटेरियल इधर उधर जा सकता है, ऐसे परिवहन को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। फिर आता है कि किसकी बनी, मतलब क्या ज़्यादा होता है, किसमें क्या कम होता है। तो ये पूछा जाता है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति में सेलुलोज ज़्यादा होता है या हेमी सेलुलोज। तो हेमी सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, सेलुलोज की मात्रा कम होती है।
द्वितीयक कोशिका भित्ति में सेलुलोज की मात्रा अधिक और हेमी सेलुलोज की मात्रा कम होती है। फिर आता है कोशिका भित्ति के कार्य। तो कोशिका भित्ति का कार्य है, चूँकि पौधों में कोई कंकाल तंत्र तो पाया नहीं जाता, तो आखिर कैसे खड़े हों वो, तो उनको दृढ़ता प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति कार्य करती है। उन्हें दृढ़ता प्रदान करती है, कोशिका के आकार को बनाए रखती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है, कोशिका को किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है। बस इतने पॉइंट आप लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति और इसे लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लिखेंगे आगे, पौधे की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। याद रखेंगे कोशिका भित्ति क्या है, एक निर्जीव आवरण है। ठीक, आगे लिखेंगे, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, डैश करके, जो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, आप बैक करके देख सकते हैं, जीवाणु में किसकी बनी होती है लिख लेंगे, कवक में किसकी बनी होती है मैं बोल दे रहा हूँ, जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की बनी होती हैं, कवक में काइटिन की बनी होती हैं, शैवाल में किसकी बनी होती हैं, तो शैवाल में सेलुलोज और सेलुलोज गैलेक्टेंस मैनान्स खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आदि की बनी होती हैं। पौधों में सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। अब हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति की संरचना। देखेंगे कोशिका भित्ति में चार परत पाई जाती हैं, डैश के पहला, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक, तृतीयक और मध्य पटलिका। इसके बारे में लिखेंगे, प्राथमिक कोशिका भित्ति में सेलुलोज की मात्रा अधिक किंतु हेमी सेलुलोज की मात्रा अधिक किंतु सेलुलोज की मात्रा कम होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति में लिखेंगे, इनमें सेलुलोज की मात्रा अधिक किंतु हेमी सेलुलोज की मात्रा कम होती है। आगे लिखेंगे तृतीयक कोशिका भित्ति के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लिख सकते हैं, यह जाइलेन नामक पदार्थ का बना होता है। तृतीयक कोशिका भित्ति किसका बना होता है, यह जाइलेन नामक पदार्थ का बना होता है। नेक्स्ट, मध्यपटलिका। मध्यपटलिका के बारे में लिखेंगे, यह आसपास की कोशिकाओं को परस्पर जोड़ने का कार्य करती है। मध्यपटलिका का कार्य होता है आसपास की कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखना। अगली लाइन से लिखेंगे इसी के बारे में, लिखेंगे मध्यपटलिका सामान्यतः कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मध्यपटलिका किसकी बनी होती है, तो यह सामान्यतः कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती हैं। लिख सकते हैं मध्यपटलिका कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती हैं। लिखेंगे उसी में आगे, पके फलों की मध्यपटलिका घुल जाती है, जो पके हुए फल होते हैं उसकी मध्यपटलिका घुल जाती है, इसी कारण यह ढीला व मुलायम हो जाता है। ठीक है, मध्यपटलिका पके हुए फलों में घुल जाती है, जिसकी वजह से पका हुआ फल क्या होता है, मुलायम और ढीला हो जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एक चीज़ तो यहाँ पर छूट गया था, लिखेंगे कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जब एक कोशिका विभाजित होने वाली होती है, जब दो कोशिका बनने वाली होती है, तो सबसे पहले कोशिका में कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है। कोशिका में केंद्रक है, तो जब केंद्रक विभाजित होता है तो एक कोशिका केंद्रक प्लेट का निर्माण होता है, और उसी केंद्रक प्लेट से ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं, हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। लिखेंगे कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका प्लेट बनती है, जो आगे चलकर कोशिका भित्ति बनाती है। विभाजित होती हुई कोशिकाओं के मध्य इक्वेटर पर गाल्जी काय से टूटी थैलियाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नलिकाएँ एवं तर्कुतंतु इकट्ठा होकर फ्रैग्मोप्लास्ट बनाते हैं। यह आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, कोशिका विभाजन में फ्रैग्मोप्लास्ट बनाते हैं। आगे लिखेंगे, फ्रैग्मोप्लास्ट को कोशिका भित्ति का प्राथमिक पदार्थ माना जाता है। फ्रैग्मोप्लास्ट से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति के कार्य। लिखेंगे, या एक पूर्ण पारगम्य परत है। पारगम्य का मतलब जिसके द्वारा कोई भी मटेरियल विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार जा सके, ऐसे परत को हम पारगम्य परत कहते हैं। पारगम्य परत का मतलब होता है ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार आ जा सके, ऐसी झिल्ली को हम पारगम्य झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम डिटेल में बताएंगे।
लिखेंगे, यह एक पूर्व पारगम्य परत है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना है, क्योंकि पौधों में किसी भी प्रकार का अंतःकंकाल नहीं पाया जाता। दूसरा, कोशिका भित्ति पौधों की सुरक्षा भी करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में। प्लाज्मोडेस्मेटा इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कि प्लाज्मोडेस्मेटा का कार्य क्या है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ता है। प्लाज्मोडेस्मेटा दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ता है, मतलब एक कोशिका है इससे दूसरी कोशिका पास में है, तो इसको आपस में जोड़ने का कार्य प्लाज्मोडेस्मेटा करता है। इसी के थ्रू कोई भी मटेरियल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज हो जाता है। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। लिखेंगे प्लांट सेल वॉल में, मतलब पौधे की कोशिका में छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों से होकर एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से संबंधित होता है। इस प्रकार के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को, मतलब कोशिका द्रव्य संबंध को ही प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। बस ये हो गया कोशिका भित्ति के बारे में महत्वपूर्ण बातें, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बातें बताए हैं सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कोशिका भित्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कोशिका भित्ति के बाद आता है ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका कला, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जुड़े रहें बायोलॉजी इन चैनल के साथ। धन्यवाद।